यहाँ पुण्य और पाप का अरे भली बाती सबको पहचानता है ये हरी खोटी सबकी ये जानता है ये श्रद्धा से सर को झुका के और आज हकीकत में लग रहा है बोलती है मूर्ति बुला के देख ले बोलती है मूर्ति बुला के देख ले भावना की ज्योत को जगा के देख ले भावना की ज्योत को जगा के देख ले बोलती है मूर्ति बुला के देख ले ओ आज ये आपके कट्टर प्रेमी बैठे हैं इनके तरफ से बोल रहा हूं जब तक न सुनेगा तू तब तक हम बोलेंगे जब तक न सुनेगा तू तब तक हम बोलेंगे कौन कौन तैयार है इस लाइन को गाने के लिए क्या बात है जब तक न सुनेगा तू तब तक हम बोलेंगे जब तक न सुनेगा तू तब तक हम बोलेंगे क्या बात है आज आप लोगों को सलाम है साहब आज समय की कोई मर्यादा नहीं है आज आज ये कीर्तन तब तक चलेगा जब तक बाबा कराएगा आज तैयार है आज जीतने वाले के सब साथी जीतने वाले सब साथी ये हारे खजारा ऐसा शाम हमारा ओ ऐसा शाम हमारा ऐसा शाम हमारा हो शाम हमारा तू सुनता नहीं है किसका किसका दिल भरा था बाबा से बात करते करते बताना साहब सुन रहे हो देख रहे हो देखो तू सुनता नहीं है तो दिल ये भर बोलो बोलो सुनता नहीं है तो ये दिल भर आता
सारे के सारे को आते हो बाबा। हार तो गए हम, या तो एक टाइमलाइन बता दो कितने हारने पर आप आते हो, उतना भी हार जाए, या ये बता दो ऐसा करने से ऐसा होता है तो वो कर जाएगा, कुछ तो इशारा दे दो मालिक।
किसका किसका खेवैया बाबा श्याम है। रखना रखो पर हम आपको कही देते हैं हम तुम्हारे थे प्रभु जी हमारे थे ओ, हम तुम्हारे थे प्रभु जी तुम तुम्हारे हैं हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रिय कौन कौन तैयार है बाबा का बनने के साथ तालियां बजाओ एक बार आज एक लाइन गाओगे मेरे साथ पूरा तालियां बजाओ एक साथ तालियां बजाओ मन की बात एक याद रखना कहना एक बात तेरी बात तालियां बजाओ भाई साहब हेलो ओ भैया एक चीज हमेशा याद रखना मेरे गुरुजी ने मेरे को एक बात सिखाई थी तालियां बजाओ अपने लोग डेली कीर्तन करते हैं चलता रहता है उन्होंने मेरे को कहा था कि कभी ये मत सोचना कि आज चिल्ला चिल्ला के गालूंगा तो आगे दो दिन क्या गाऊंगा बोले मतलब बोले कल के लिए आज का आनंद मत खराब कर देना कभी जिंदगी में अगर आज आनंद लेगा तो कल खाटू वाला खुद गला खोलेगा कि इसने कल चिल्ला चिल्ला कर जो आनंद दिया था आज इसका गला ठीक रखना है इसको फिर वैसे ही गवाना है के
तैयार है सुनाने को आज। सौरभ जी, हमने तो अपनी लाइफ में देखा चंदन केसर का छिड़काव। किस किसने खाटू में देखा केसर चंदन का छिड़काव? छिड़काव देखा केसर चंदन का? ईमानदारी से बताना किस किसने देखा कि जब महाराज की यात्रा निकलती है फागुन के मेले में तो उस पर एक फुहारा चल रहा होता है। उस फुहारे में केवल केसर और चंदन का पानी मिला होता और वो साथ में महाराज के चल रहा होता। लेकिन कौन चंदन केसर का श्रृंगार जरूर देखते हैं हम महाराज का। और आजकल तो भैया 24 घंटे के लिए महाराज के दर्शन बंद कर दिए जाते हैं कि बाबा का विशेष श्रृंगार होता है।
जब श्रृंगार होता है और जो सेवक बाहर खड़े होते हैं ना तालियां बजा, वो क्या बोलते हैं पता है? खाटू वाले श्याम के शरण में आ गयो, बोलो बोलो, खाटू वाले श्याम के शरण में आ गयो, श्याम प्रभु रूप तेरो नैना में, ये असली कीर्तन है। सबसे प्यारी लाइन पूरे हाथ ऊपर करो एक बार, हमेशा हमारे किशन बाबा बैठे हैं, ये खाटू वाला बैठा है, ये उनकी मुरली बैठी है, एक बार तालियां बजा के इनाम का। दरबार तुम्हारा संकट काटो श्याम हमारा, सच्चा है दरबार तुम्हारा, जब जब पीर पड़ी भक्तों पर दाता नंगे पांव पधारा, जब पीर पड़ी भक्तों पर बाबा नंगे पांव पधारा, दुख हरना दुख हरना मेरे दुख हरना, दुख हरना मेरे दुख हरना, चरणों में तेरे अरदास लाया, ओ बोलो तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया। आज ये लाइन पूरे हाथ उठाओ एक बार, देख ले बाबा आपको कसम लगती है आज जो हाथ उठा रहा और इस लाइनों को जो आज को जो भी कह रहा है उसकी ये अरदास स्वीकार कर लेना, पूरे हाथ ऊपर करो एक बार। अरे जब फागुन का मेला आए हमको पास बुलाना होगा, फागुन का मेला आए हमको पास बुलाना होगा, कौन कौन खाटू जाने का तैयार है और खाटू जाके क्या बोलेंगे? ओ खाटू को शाम रंगीलो रे, खाटू को क्या लाए अरदास लाए। बाबा अभी भैया ने कहा कि 20 मार्च फागुन का मेला होगा, ये सारे गेम तुम्हारे हैं, ये सारे खेल तुम्हारे हैं। अरे इनके तो हैं पर
देखो मौज कब उड़ाएगा, मौज कब उड़ाएगा बाबा, बताओ अच्छा ईमानदारी से कि एक बच्चा रोए और बाबा खुश होए, नहीं हो सकता महाराज, कभी नहीं हो सकता कि एक अपना बाप और अपने बेटे को रोता नहीं देख सकता, किसी हालत में नहीं हो सकता। इसलिए आप सभी को एक आह्वान के लिए निमंत्रण कर रहा हूं कि ग्वालियर शहर में पहली बार 29 फरवरी को महाराज का एक अरदास कीर्तन रखा गया है। अभी इन्होंने बोला श्याम बाबा, ये बोला ना आप लोगों ने, ये महाराज का कृपा मानो या आशीर्वाद मानो, 29 फरवरी को एक अरदास कीर्तन ग्वालियर शहर में रखा गया है। जगह अभी नहीं बुक करी है, उसका अनाउंसमेंट बाद में कर दिया जाएगा। और मैं सौरभ भैया को निमंत्रण दे चुका हूं, और उसके अंदर ये तुम हमारे और हम तुम्हारी वाली बात नहीं चलेगी। ईमानदारी से बता रहा हूं कि आपने सौरभ भैया को सुना होगा, बहुत सुना होगा, और बहुत लोग दीवाने भी हैं इनके। मैं तो खाटू नहीं जाता हूं क्योंकि महाराज बुलाते नहीं अपने को, तो पंचायती धर्मशाला में जब इनके भजन चलते हैं तो जब उठ के जाते हैं तो पंचायती धर्मशाला खाली हो जाती है। मैंने ऐसी भी बात सुनी है, सुना है भैया, मैंने देखा नहीं। लेकिन दीवानों एक अरदास महाराज से करेंगे 29 फरवरी को, श्याम बाबा तेरे पास आया हूं, चरणों में तेरे अरदास लाया। और अरदास कैसी होगी, जब फागुन का मेला होगा तुमको पास बुलाना होगा, जब फागुन का मेला आए हमको पास बुलाना होगा। रुको रुको रुको, दो मिनट रुको यार, मैं यही हूं, मैं यही हूं। मैं माइक ले रहा हूं, गलती कर रहा हूं आपसे। उनतीस फरवरी को आ रहा हूं, उस दिन पता है क्या होगा, तालियां बजाओ, शिवरंजन का दिन, तालियां बजाओ। ना जाने तू ठाकुर मेरे, ना जाने तू मुझ पे कृपा बरसाते, मुझ पे कृपा ईमानदारी से, कौन कौन अपने घर में ईमानदारी वाली पूजा करता, कोई नहीं करता है। मतलब की आ रही बाबा, ये रिश्तेदारी केवल मतलब की आ रही, मैं खुद नहीं करता हूं। और जो लोग
कहते हैं, मतलब मेरे जैसे पागल क्या कहते हैं बताऊं आपको। हम मारेंगे भर पिचकारी, तुमको आज सजाना होगा। देखो बाबा, हम मारेंगे भर पिचकारी, किसको मारेंगे? अरे बोलो तो सही, किसको मारोगे? ओ मैं मारूंगा भर पिचकारी, तुमको रंग लगाना होगा। नहीं बाबा, रंग तो लग गया हमारे को अब तो। आज एक बात बोलूं? बोलो। आज बंद कर रहा। मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मेरे अपने ही रंग में रंग ले, मेरे यार सामने। मुझे अपने ही रंग में, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता। अब सुनो, 29 फरवरी को तुम भी आना। अरे मेरे घर ओ कीर्तन होगा, तुम भी आना मेरे घर कीर्तन, वो कीर्तन होगा। पर सुनो बाबा, वो कीर्तन होगा। मुझे गम नहीं मेरी बर्बादियों का, मिटाना चाहो तो तुम शौक से मिटा दो, पर मिटाने के पहले तुम इतना समझना क्यों, वो मिटाने के लिए तुमको आना पड़ेगा, मिटाने के लिए तुमको आना पड़ेगा, मिटाने के लिए। इसीलिए आज कीर्तन, आज कीर्तन हमारे घर पर है, आज कीर्तन। ये दरबार तेरा, ये पुष्प तेरे, ये श्रृंगार तेरा, ये भक्त तेरे, ये प्रेमी तेरे, हमारे किशन बाबा तेरे, ये जोत तेरी, ये प्रसाद तेरा, ये जगह है तेरी, ये सारा जहां तेरा। पर अरदास सिर्फ हमारी चलती है बाबा। आज कीर्तन, आज कीर्तन हमारे घर पर है, आज कीर्तन गाते गाते जाना हम सब मिलकर। माइनर करना इसको भैया। अरे ओ जी ओ मीठा जी सावरिया, ओ जी ओ मीठा जी सावरिया। आनंद नहीं है, पूरे हाथ उठा के इस लाइनों को गाना एक बार। अरे प्रभु की रचना है। बाबा जिसके हाथ ऊपर है अब बेगा आए तो ये निमंत्रण दे रहे हैं भैया। अभी तो टाइम है फरवरी में। अरे 29 तारीख चार साल में एक बार आती है। अरे आने दे यार, क्या करना है अपने को, अपने को अपने मतलब से आ रही। बाबा ने भी अलग डेट चुना है 29 फरवरी। क्या ठाकुर, चार साल इंतजार कराते हो या सबको इस लायक बना दो कि हर महीने की 29 तारीख को आपका अखाड़ा लगे। देखो भैया, बाबा भी ठोक ठोक के देखता है, महाराज भी ठोक ठोक के देखते हैं कि
चार साल में कितने इसने कीर्तन करे और कितने ताली बजाई। दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक एक एक बात चेक करता है और चार साल इंतजार कराएगा। लोग कहते हैं खाटू जाओ दर्शन करो महाराज का, सब भूल जाते हैं। आज लोग तेरा सीढ़ी भी भूल गए सौरभ भैया। अरे ठाकुर ने माफी मांग लो, तेरा सीढ़ी हम भूल गए बाबा, आपकी जैसी मर्जी। पर ठाकुर ने अपनी परंपरा चालू कर रखी है, तेरा सीढ़ी तो भुला दी पर तेरा लाइनें और बना दी, वही तेरा सीढ़ी बना दे। क्या करे ये भी मजबूर है, इसीलिए तो बोलते हैं कुछ तो सोच विचार रहम कर, कुछ तो सोच विचार रहम कर, दीना नाथ कुहाता कुहाता महलाया मुझे ले चल खाटू दीवाने मुझे। और बाबा ये सौरभ भैया, यही सौरभ शर्मा जी और इनके गली मत देख यार, गली देख के क्या होगा, खराब हो जाएगी बंद हो जाएगी फिर किसे देखेगा। अरे घड़ी जब ये चलाता है ना तब सारी घड़ियां बंद हो जाती है, इसकी घड़ी चलती है। ईमानदारी से बाबा मेरी एक तमन्ना है कि वो कीर्तन दिखा दो कि जिसमें एक एक की अरदास आप सुनने के लिए आ जाओ, वो कीर्तन बताओ, वह समा वो बना दो कीर्तन का कि एक एक अरदास सुनने के लिए महाराज मजबूर हो जाए। और मेरा विश्वास है, विश्वास नहीं पूर्ण विश्वास है कि किशन बाबा के सानिध्य में जो कीर्तन किए जाते हैं बाबा, किशन बाबा के सानिध्य में जो कीर्तन किए जाते हैं, सच्चाई बता रहा हूं आपको। ये बच्चा बैठा है, खड़ा हो जा बेटा। ये कौन सा कीर्तन है भैया? पांचवा कीर्तन, ईमानदारी से बता रहा हूं। दूसरे कीर्तन से अरदास लगी थी इसकी, मैं मुंह पे नहीं बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं, मुंह पे बता के जाऊंगा और एक एक को सच्चाई मालूम है। दूसरे कीर्तन से अरदास लगी थी बाबा और आज वो अरदास बाबा ने पूरी करी है। बेटा नहीं था, पहला ही है। रोती हुई आंखों को जब कोई नहीं, यही चाहते हैं हम भी आपसे सौरभ भैया, यही चाहते हैं कि जिस तरह से आज आपने महाराज को रोक रखा है, ईमानदारी से बता दो कि क्या कौन कह सकता है कि महाराज यहां पर नहीं है। इन्होंने रोक देखा मेरे घाव
ऊंचाई दिखी सबको मेरे पाँव नहीं इस मंजर को पाने में छाले पड़ जाते हैं जब कोई नहीं ये देख लो मोर बैठा जोत के अंदर साक्षात मोर के रूप में बैठे हैं महाराज कृष्ण कर लो ये कोई डुप्लीकेट फोटो नहीं है बनाया हुआ नहीं है मैंने पहले ही कहा था कि जो किशन बाबा के सानिध्य में कीर्तन होते हैं उसमें एक झलक एक सेकंड के दर्शन महाराज के जरूर होते हैं ये कृपा है बाबा की और वो 28-29 फरवरी का कीर्तन मेरा विश्वास है कि महाराज स्वयं वहां पर आकर के एक एक की अरदास लेके जाएंगे और आपके कर्मों के हिसाब से उस काम को बनाएंगे मैं ये नहीं कहूंगा कि महाराज हाल किया एप्लीकेशन पर साइन कर जाओ जितनी आप लोग मेहनत करोगे ताली बजाओगे कीर्तन करोगे उतनी जल्दी आप लोगों के काम होंगे सुन ले कन्हैया ये लाइन एक लाइन मैंने इसलिए बोली है कि आज के कार्ड पर ये लाइन लिखी गई थी कि सुन ले कन्हैया अर्जी ये है लाज पे आज बाबा लाज पे आज बाबा और एक बात और बताऊं खुशी की बात बहुत खुशी की बात कि ये दो मंडल हो गए थे दो कीर्तन होते थे एक 26 दिसंबर को उतरता है एक 27 दिसंबर को कीर्तन होता था बाबा सौरभ भैया परिवार बड़ा होता है तो छोटे से कमरे में 10 लोग नहीं रह पाते 5 को बाहर जाना ही पड़ता है माफी चाहता हूं मैं बीच में बोल रहा हूं आप सोचते हो कि हम दो एक के दो दो के तीन तीन के चार बस इतना एक शॉर्ट में बोलना चाहता हूं बंद मुट्ठी में जो दम है वो खुली मुट्ठी में नहीं है बस इतना बोलना चाहता हूं ये परिवार आज इस प्रांगण में फिर से एक बंद मुट्ठी होके बैठा हुआ है बधाई देता हूं सभी सिकंदर केमी कंपू के प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज ये परिवार बाबा तेरे दरबार में फिर होकर के कीर्तन करता है लाज में आज बाबा आने न पाए सुन ले कन्हैया हम पे क्या बीती किस हाँ तुझको पता है सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी तारो न तारो अब ये लाइन गाना गाओ तो निभाना जो भी कहोगे बोलो 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 जैसे रखोगे बाबा वैसे रहूंगा मुझको भरोसा
जब इस पे भरोसा हो जाएगा ना, ठाकुर जैसे रख रहा वैसे रहने लग जाओगे ना, तब आप पता क्या गाओगे उस वक्त। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, बोलो बोलो, बोलो। हमें हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए, हमें बस इतना कहते जाना आज बाबा को, बाबा कितनी परीक्षा भाग्य में ओषा अफसोस है ये डूब रही है नैया, हंसने लगा है किसकी किसकी नहीं है बाबा के भरोसे भैया, जिसकी पार हो गए वो हाथ मत उठाना जाते जाते, बस इतना कह रहा हूं। थोड़ा वक्त आज बड़े दिनों बाद ये दो लाइनें याद आई है, गाना छपकी बजाना भैया, एक दो तीन ये चार ढप। ओ पालनहारे करना इस लाइनों के लिए एक बार, और कहना बाबा को पूरे हाथ ऊपर करना एक बार, और कहना बाबा को क्या परिवार में परिवार में चलना बाबा के लिए हाथ उठाओ एक बार, और हाथ तो बाबा के लिए उठाना और तालियां अपने माता पिता के लिए बजाना, अपने गुरु के लिए बजाना। ओ मेरा एक साथी है बड़ा ही भोला भाला है, मिले ना उस जैसा ये जग से, अरे मेरा खाटू वाला मेरे हो मेरा खाटू वाला मेरा एक साथी है, इस जैसा आज पता क्या लग रहा है सामने की मैं ताली
कौन कौन अपने घर में बुलाना चाहता है बाबा को? सब क्या बात है। तो माइनर करना भैया, तालियां बजा के सर पर शाम प्यार की दया का हाथ है, हर घड़ी हर पल सौरभ भैया संग दो चार ही कीर्तन करें, लेकिन इनके मुंह से कभी धमाल नहीं सुनी आज तक। बाबा मैणा नीचा कर ले, कर ले शाम से मिलावेगी कैया, गुलाबरानी क्या कर ले, मेहरानी क्या कर ले, दीदी कैया मेहरानी, अरे नीचा कर ले, नीचा कर ले, नीचा कर ले, नीचा कर ले, नीचा कर ले रे, और मेहरानी क्या कर ले, मेहरानी क्या कर ले शाम से मिलावेगी कर ले। पता श्याम प्रेमी कैसे होते हैं? बोलो बोलो। रात ने सोवा तो माने नींद को नहीं आवे, रात ने सोवा, अरे रोटी खाऊं तो माने रोटी को नहीं भावे, रोटी खाऊं तो माने रोटी को नहीं भावे, मारो मंदरी है मैं खातू तो ले चालो जी, ले चालो माने खातू तो ले चालो जी, जय जय ये धमाल। बाबा नाचण दे तेरे भगतान तेरो अजब बड़ो सिणगार, बाबा नाचण दे, ओ बाबा नाचण दे तेरे भगतान तेरो अजब बड़ो सिणगार, बाबा नाचण दे, अरे बिन घुंगरू के नाचा बाबा, बिन घुंगरू के नाचा बाबा, करा थारी जयकार, बाबा नाचण दे, ओ बाबा नाचण दे।
तेरे भगता ने तेरो अजब हुओ सिनगा बाबा नाचण दे सावरिया आपा घूमर खाना जी बाबा जी आपा घूमर खाना जी फागणियों आए गयो मेला में बुला लो जी फागणियों आए गयो मेला में बुला लो जी हेलो आयो है शाम को मेलो आयो है मेलो आयो है शाम को हेलो आयो है अरे हाथा में लेके निशा चालागा खाटू था ओ हेलो आयो है आयो है मेलो आयो तू मस्ती में जी ले तू मस्ती में जी ले तू मेरा यार है बड़ा दिलदार है ओ तू मेरा यार है बड़ा दिलदार है ओ ओए ओए काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है रुको अरे ज्यादा मत देखो नजर लग जाएगी ये कीर्तन की रात दोबारा आएगी अब श्याम सागर में डूब जाता हूँ मैं गम दर्द के भी भूल जाता मैं श्याम का नाम मुझे मस्त बना देता है ये ऐसे भजन सुनेंगे अपन 28-29 फरवरी को हाँ महाराज हाँ मैं कमिटमेंट नहीं करूंगा आदेश भी नहीं दूंगा रिक्वेस्ट जरूर करूंगा आप आदेश दो ना हमारे बस में है ना आपके बस में है ना इनके बस में है होगा वही जो ये चाहेगा देखो ये आपने बात बोल दी अपने चेष्टा कर सकते हैं हमारे बस में एक चीज है महाराज एक चीज हमारे बस में महाराज का कीर्तन करना हमारे बस में किशन बाबा की तरफ से ये दो लाइन में बाबा आपको सुना के जा रहा हूं जाते जाते बस तेरा दरबार यूं ही सजता रहे तेरे भक्तों का मेला लग मैं रहूं ना रहूं इस दुनिया में तेरा कीर्तन सदा यूं चलता रहे चलता बोल खाटू हरे के लखदातार की बोलिए वीर वरवरिक महाराज की देखिए मैं सौरभ जी को गाने की नहीं बोलूंगा इनसे 15 मिनट की इजाजत और चाहूंगा केवल मैं गाना मती इतनी देर हमने झेला है 15 मिनट आप झेल लो हमारे दो मिनट के लिए बैठिए मैं एक अपने भाव इनके सामने रखना चाहता हूं इनको हेलो 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 दो मिनट कौन कौन चाहता है कि एक भाव ऐसा बाबा उस पर बैठो आराम से ऊपर अरे ऊपर तो बैठे
ये मेरी बात है सौरभ भैया, सुनना। मतलब इस भजन पे मैं माइक में नहीं बोलूंगा, कान में बोलूंगा। Oh.